और जो मोदी ने किया वो किसी ने भी ना किया आज तक। फ्री नहीं चाहिए हमें, वो बाद में हमसे ही वसूलेंगे। हमारे मुसलमान भाई को भड़का रहे हैं कि तुम्हें मोदी जी दिल्ली से निकाल रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर, मैं हूं नवीन चौहान। तमाम महिला यहां पर मौजूद है जो प्रधानमंत्री मोदी की रैली में आए हैं, आइए उन्हीं से बातचीत करेंगे। वो पहली बार गए हैं, इससे पहले भी गए हैं, कैसा दिखा जी प्रधानमंत्री की मोदी में रैली में जो आप गए, कैसा नजारा था अंदर? बहुत बढ़िया, बहुत भीड़, पैर रखने को भी जगह नहीं थी, बहुत भीड़ थी। इतने खुशी हुए हम लोग, हम इतने मोदी भक्त हैं कि हम मोदी के सिवा किसी को। पहली बार गए कि इससे पहले? नहीं, पहले भी गए हैं, जब से मोदी आए हैं तब से मोदी के भक्त हो गए हम। भक्त हो गए। क्या बोला प्रधानमंत्री ने वहाँ, क्या दिखाई दिया? बोला सब हमारी कॉलोनियाँ जो अनऑथराइज थी उनको पास किया है, और जो ये बिल नागरिकता बिल की जो करा ये भी बहुत अच्छा किया है। जो दल है वो इधर मतलब जो भड़का रहे हैं मुसलमानों को, ये राजनीतिक सब वो है, और मोदी कुछ गलत नहीं कर रहे, हमारे देशवासियों को चाहे हिंदू हो मुस्लिम क्रिश्चियन किसी को नुकसान नहीं है। अच्छा, आप किस तरह से देखते हैं अम्मा कि आज मोदी की रैली में गए थे, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। और जो मोदी ने किया वो किसी ने भी ना किया आज तक। कौन सा काम प्रधानमंत्री का आपको अच्छा लगा? सब काम अच्छा लगा सर। राम मंदिर का इतने लड़ाई होते रहे इतने जुगों जुगों से, आज आसानी से एकदम राम मंदिर के फैसला हो गया है। 370 खत्म कर दी वो धाराएं, ये आपको बढ़िया लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा, ये तो सुन के हमें बहुत बढ़िया लगा। जो भी गांवों पर अत्याचार करते थे उनको फांसी पर चढ़ाया, ये बहुत बढ़िया किया। हाँ, जो भी काम करते जा रहे हैं सब अच्छे लग रहे हैं। आपको लग रहा है मोदी जीत जाएंगे इस बार दिल्ली में? बिल्कुल जीतेंगे, लेकिन महिलाओं के लिए तो केजरीवाल ने बसें फ्री कर दी। नहीं चाहिए सर हमें, फ्री नहीं चाहिए हमें, वो बाद में हमसे ही वसूलेंगे। हमें फ्री नहीं चाहिए, जो समझदार महिलाएं हैं वो कभी फ्री नहीं चाहती हैं। आपको फ्री चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए भैया। तो क्या मेरे बहन नाना कर रहे हैं फिर? हाँ करेंगे। नहीं, नाना ना वोट करेंगे केजरीवाल? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे केजरीवाल ने सब कुछ फ्री कर ना सकते हैं। मैंने अपनी सब्सिडी छोड़ी है मोदी के कहने पे, मैं गरीब हूँ, किराए पे रहती हूँ, मैंने अपनी सब्सिडी छोड़ी है गैस की। सब्सिडी? हाँ, सिर्फ एक मोदी के कहने से। हाँ, आप किस तरीके से देखते हैं जी केजरीवाल ने जो फ्री चीजें चलाई हैं, बस फ्री कर दिया, बिजली पानी फ्री कर दिए, इस पर क्या वोट मिल पाएगा इस बार? नहीं, आपके जो उनका जो फंडा शुरू से चला रहा है वो अभी पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं है, उन्होंने जितना बेवकूफ बनाया था। और ये तो झूठी सरकार है, सबको पता है ये झूठ किसी हद तक जा सकता है, किसी हद तक झूठ बोलता। किया क्या है उसने दिल्ली के लिए? अभी वो शुरू से एक ही बात सुनने को मिलती, मोदी नहीं करने दे रहा, मोदी ये नहीं करने दे रहा, मोदी वो नहीं करने। वो कहता है स्कूल नए खोल दे। नए स्कूल तो बाद में खुलेंगे, हमारी देवली विधानसभा से हूं मैं, हमारी देवली विधानसभा में आके देखो, देवली विधानसभा में आके देखो, रास्ते पूरे बंद है, खोद के डाल दिया 2 महीने पहले। मोदी ने अब कैसे छूट दे दी इसको? पूरा रास्ता, चाहे कोई प्रेग्नेंट महिला हो चाहे बीमार आदमी हो, कोई निकल नहीं सकता। इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि आप जाके वहाँ पे देखो तो सभी लोग मतलब इतने परेशान हो चुके हैं इससे दिल्ली में कि अभी देखो इतनी अच्छी दो स्कीम मोदी जी की थी, आयुष्मान योजना और जो है दूसरी जो आवास योजना, जिस पे ये साइन नहीं किया इसने, और दिल्ली वाले लोग वंचित हैं उससे। अगर ये जो ना दिल्ली में सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि मोदी जी अगर दिल्ली में आते हैं तो कुछ अच्छा हो, जो केजरीवाल ने 5 साल खराब किया है, तो उसमें लोग पछतावा है लोगों के अंदर। फ्री पे इस बार वोट है कि नहीं है दिल्ली? नहीं है, सब पब्लिक जानती है। अभी तमाम महिलाएं रहती होंगी आपके मोहल्ले में, वो क्या कहती है? सब कहती है 90% महिलाएं घर में बैठी है। फ्री करना है तो जो ड्यूटी आदमी करते हैं उनके लिए करो, जेंट्स के लिए। पहले क्यों नहीं किया, अभी फ्री क्यों किया? वोट के चक्कर में, अभी वोट के चक्कर में किया ना, तो जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। और जो ना जो 1-2 महीना फ्री ये बस का किराया कर देंगे तो जनता को तो सुविधाएं चाहिए, क्या महिलाओं को जो ना फ्री की क्या जरूरत है? देना था तो उसमें जो इन्होंने आंगनवाड़ी में इतनी सारी नौकरियां निकाली क्यों नहीं दी? 3,500 नौकरियां खा गई आंगनवाड़ी की, महिलाओं को वहां पे जरूरत थी तो महिलाओं को वो चीज देती है। फ्री किसी को नहीं चाहिए। योजना लाओ, प्रधानमंत्री आवास योजना लाओ, इस पे क्यों नहीं साइन करके देते हो? जिसकी जरूरत है, कितने किराएदार, मोदी जी का सपना है 2022 तक सबके मकान होंगे। मोदी जी को लग रहा मिल पाएगा? मोदी मिल जाएगा। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और वहाँ पे जो संगम विहार बसता है, 1731 कॉलोनी मोदी जी ने पास की है, और हम उसी के लिए मोदी जी को धन्यवाद देने आए हैं। मैंने खुद ने 6,000 साइन कराए और लोगों ने बड़े खुश होकर वो साइन किए,
तो हम लोगों को धन्यवाद देने आए मोदी जी का 1700 कॉलोनी कच्ची कॉलोनियां पास करने के बाद। लोगों को देना था तो ऐसा कुछ देते ना जो कच्ची कल, हमेशा उनको एक डर रहता था भाई कब टूट जाए हमारे मकान, और एक फ्लोर किसी ने जैसे तैसे चढ़ा लिया, दूसरा कैसे चढ़ाएं। अब उन लोगों के रास्ते खुल गए, मोदी जी ने देखो कितना अच्छा काम किया है कि लोग लोन ले सकते हैं रजिस्ट्री होने के बाद में है, और जो है काम करना तो ऐसे करें, ये किराया फ्री होने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, महिलाएं कोई, और फिर महिलाएं और जो है हमारे मुसलमान भाई को भड़का रहे हैं कि तुम्हें मोदी जी दिल्ली से निकाल रहे हैं, लेकिन ये उसका नागरिकता बिल का विरोध नहीं कर रहे, ये विरोध कर रहा है सिर्फ मोदी का, वो इन्हें सब भड़का रहे सबको कि मतलब ये लोग भड़के और दंगा फसाद करें, ये मोदी का विरोध है, ये बिल का विरोध नहीं है, बिल से तो वो भी खुश हैं, लेकिन ये मोदी के विरोध के चक्कर में आएगा कि जाएगा 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 हाँ फिर विधानसभा जहाँ से आएगा वही जाएगा। मोदी जी का संघर्ष है, मोदी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कैसा लगा जी आज मोदी की रैली? अच्छा लगा, अंदर सुना कि नहीं सुन पाए? सुन लिया, सुना भी, बहुत अच्छा लगा हमें सुनकर मोदी जी। बहुत ही बार आए कि इससे पहले भी किसी रैली? नहीं पहली बार आए हम। इस बार दिल्ली में चुनाव है, कैसा दिखाई दे रहा आपको चुनाव? अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने महिलाओं के लिए बसें फ्री कर दी, पानी बिजली फ्री हो गया, बंद कर दिए बाथरूम, बंद कर दिए उन्होंने, बहुत अच्छा काम किया, बाथरूम बंद करे हुए हैं, सारी लड़की से परेशान है, इतना अच्छा काम कर रहे हैं वो तो आने ही चाहिए दिल्ली में। आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं। कौन आएगा? मोदी जी आएंगे। मुकाबला दिख रहा है, बहुत गंदा था पानी, फ्री पानी है, गंदा पानी है, गंदे पानी का क्या करेंगे? क्या करेंगे बताइए, किस काम का वो गंदा पानी? गंदे पानी का यूज होएगा ही, और क्या यूज होगा, काम गंदे में यूज करेंगे, पीने का पानी तो साफ आना चाहिए। कैसी टक्कर लग रही है दिल्ली में, कौन जीत रहा है? मोदी आएगा, मोदी मोदी। महिलाओं से बात हो रही है, घर घर पर 10 टक्कर हो रही है। हाँ जी, लेकिन ये फ्री पॉलिटिक्स, बस फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, इससे कुछ होगा कि नहीं? गंदा पानी है, मर जीत रहे मोदी है। ये देखा आपने महिलाओं की राय सुनी कि आखिरकार वो क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, क्या उनकी राय है और किस तरह से वो दिल्ली चुनाव को लेकर अपनी राय सामने रख रहे हैं, अपनी बातें सामने रख रहे हैं बेबाकी से। आप भी बोलिए बेबाकी से, क्योंकि लगातार हेडलाइंस इंडिया मुद्दे उठाता रहेगा जमीन से। अपने सहयोगी सार्थक शर्मा के साथ नवीन चौहान, दिल्ली हेडलाइंस इंडिया।